नहीं, आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर 16 है, जो कि वान डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस के लिए है। वान डर वाल के मुताबिक जो है प्रेशर और वॉल्यूम को जनरल गैस इक्वेशन में करेक्शन की जरूरत है। तो उसके लिए सबसे पहले हम वॉल्यूम करेक्शन करेंगे। इन हाईली कंप्रेस गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बहुत करीब करीब आ जाते हैं, मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल करते हैं और वो हाई प्रेशर को अपोज भी करते हैं, यानी कि हाई प्रेशर की मुखालफत करते हैं। इसकी वजह ये होती है कि गैस के मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम होता है जिसको हम Vm से जाहिर करते हैं। जब प्रेशर इंक्रीज किया जाता है तो ये वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं रहता। तो यहाँ पर एक डायग्राम है हमारे पास, इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास वी वेसल लिखा हुआ है। वी वेसल टोटल वॉल्यूम है, ये सारा वॉल्यूम वी वेसल है। और यहाँ पे कॉर्नर पे वी एम बना हुआ है, ये मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, सिर्फ मॉलिक्यूल का। लेफ्ट हैंड साइड पर डायग्राम के आपको वी फ्री नजर आ रहा है, ये वी फ्री आइडियल वॉल्यूम है जो कि खाली है, ये जीरो भी हो सकता है। और आपको बी नजर आ रहा है, बी जो है ये इफेक्टिव वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। अगर हम देखें तो इसके मुताबिक डायग्राम के मुताबिक जो वी वेसल है वो इक्वल होगा वी फ्री प्लस बी के, यानी कि वी फ्री जो है और बी को हम अगर ऐड करें तो वी वेसल हासिल होगा यहाँ पे हमें इस तरह से, वी वेसल इज इक्वल टू वी फ्री प्लस बी। अगर हम आइडियल वॉल्यूम मालूम करना चाहते हैं तो बी इधर प्लस हो रहा है, वेसल वाली साइड पर जाके माइनस हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी वी फ्री इज इक्वल टू वी वेसल माइनस बी। फॉर एन मोल ऑफ गैस हमारे पास वी फ्री इज इक्वल टू वी वेसल माइनस एन बी, हम बी के साथ एन लिख देंगे। फैक्टर जो बी है ये इफेक्टिव या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहलाता है। वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस है इन हाईली कंप्रेस्ड स्टेट बट नॉट इन लिक्विड स्टेट, यानी गैस हाईली कंप्रेस तो हो लेकिन लिक्विड स्टेट में रहनी चाहिए, ये ना हो कि वो सॉरी गैस स्टेट में रहनी चाहिए, लिक्विड में चेंज नहीं होनी चाहिए। बी की जो वैल्यू है यानी कि इफेक्टिव वॉल्यूम की जो वैल्यू है कॉन्स्टेंट होती है फॉर गिवन गैस। इसकी वैल्यू डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होती है और ये साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है। वैल्यू ऑफ जो बी होती है ये एक्चुअल वॉल्यूम वी एम के 4 टाइम्स होती है, यानी एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें बी हासिल होता है। वी एम एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल है। प्रेशर करेक्शन इसके बाद हम देखते हैं। कंसीडर ए गैस ए, कंसीडर ए मॉलिक्यूल ए, हमारे पास मॉलिक्यूल ए है जो कि गैस के दरमियान में मौजूद है। इसको गैस बी, जो गैस के बी मॉलिक्यूल हैं वो अटैक कर रहे हैं ऑल साइड से, हर तरफ से। यहाँ पे डायग्राम में देखें एक गैस मॉलिक्यूल ए है जिसको बी मॉलिक्यूल हर तरफ से अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब ये गैस का मॉलिक्यूल टकराएगा ए से, गैस का मॉलिक्यूल जो है जब टकराएगा ए मॉलिक्यूल दीवार से, तो इसके सामने तो कोई मॉलिक्यूल नहीं है राइट हैंड साइड पर, लेकिन बैक साइड पर एक मॉलिक्यूल बी मौजूद है जो इसको पीछे की जानब अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। तो जब ये पीछे की जानब खींचेगा तो गैस का मॉलिक्यूल ए जो है वो फुल फोर्स नहीं लगाएगा, जो दूसरे लफ्जों में फुल प्रेशर नहीं लगाएगा, इसका प्रेशर कम हो जाएगा। ये जो प्रेशर ऑब्जर्व होगा यानी कि जो हमें दिखाई देगा प्रेशर वो पी कहलाएगा, और ये प्रेशर पी जो होगा ये कम हो जाएगा बाई एन अमाउंट पी प्राइम, इतनी मिकदार में कम हो जाएगा। और जो आइडियल प्रेशर होगा उसमें से हम पी प्राइम को माइनस कर देंगे ऑब्जर्व प्रेशर को मालूम करने के लिए। वो प्रेशर जो हम देखेंगे वो कम हो जाएगा, कितना, वो आइडियल प्रेशर में से, अगर आइडियल गैस के प्रेशर में से हम पी प्राइम माइनस कर दें तो हमारे पास पी ऑब्जर्व आ जाएगा, वो प्रेशर जिसे हम ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि पी ऑब्जर्व जो ऑब्जर्व प्रेशर है वो बराबर है पी आइडियल माइनस पी प्राइम। अगर आपने पी आइडियल मालूम करना है तो पी प्राइम माइनस हो रहा है, ऑब्जर्व प्रेशर वाली साइड पर जाकर लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा, ये इक्वेशन बनेगी पी आई इज इक्वल टू पी प्लस पी प्राइम। पी प्राइम जो है अमाउंट ऑफ प्रेशर डिक्रीज, ये वो प्रेशर है जो मिकदार में कम हो जाता है ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेज। पी प्राइम की वैल्यू बढ़ जाती है अगर आप अट्रैक्टिव फोर्सेज गैस के मॉलिक्यूल में बढ़ जाएं, और पी प्राइम की वैल्यू डिक्रीज होती है अगर वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज हो।
पी प्राइम जो है ये इक्वल होता है ए ओवर बी स्क्वायर के। ए यहाँ पर कांस्टेंट है, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ अमंग गैस मॉलिक्यूल भी हम बताता है। इट इज कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन और अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम। इट हैज कांस्टेंट वैल्यू फॉर ए गिवन रियल गैस। एक गैस के लिए इसकी वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है। अब हम प्रूफ करेंगे पी प्राइम ए ओवर बी स्क्वायर के बराबर होता है या नहीं। तो पी प्राइम जो है वो कैलकुलेट होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ए एंड मॉलिक्यूल बी। मॉलिक्यूल ए जो वो मॉलिक्यूल है जो दीवार से टकराने वाले हैं, और मॉलिक्यूल वो बी वो मॉलिक्यूल है जो मॉलिक्यूल ए को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन गैस मॉलिक्यूल ए और बी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनकी कंसंट्रेशन के, गैस मॉलिक्यूल ए और गैस मॉलिक्यूल बी के। तो पी प्राइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ गैस ए कंसंट्रेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल बी। तो मॉलिक्यूल जो इसके बाद जो कंसंट्रेशन जो होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब के बराबर होती है, यानी कि एन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के बराबर होती है। तो ये हम कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है इसकी वैल्यू पुट करेंगे एन बाई वी, कंसंट्रेशन ऑफ बी मॉलिक्यूल उसकी वैल्यू पुट करेंगे एन बाई वी। तो ये हमारे पास पी प्राइम जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा एन डिवाइडेड बाई वी मल्टीप्लाई बाई एन डिवाइडेड बाई वी, ये जो हमने कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट की है। अब चूंकि इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास पी प्राइम हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। पी प्राइम इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। यहाँ पर ए जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है। फॉर वन मोल ऑफ गैस एन इज इक्वल टू वन, और पी प्राइम जो होगा ये बराबर हो जाएगा क्योंकि एन स्क्वायर वन के बराबर होगा ए ओवर वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। हम पुट इसकी वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन टू में, वो जो ऊपर आइडियल गैस की इक्वेशन थी पी प्राइम की ए ओवर वी स्क्वायर, तो पी आइडियल जो होगा वो बराबर हो जाएगा पी प्लस ए वी स्क्वायर के। यहाँ पर इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन टू में हम पी प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन टू जो होगी वो पी आइडियल बराबर होगा पी प्लस ए ओवर वी स्क्वायर के। ये इक्वेशन हम नेक्स्ट जो है इसको वो जनरल गैस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। ये जो हमने प्रेशर करेक्शन किया है और वॉल्यूम करेक्शन, और उसे हम देखेंगे कि इक्वेशन में क्या चेंज आता है। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एक्सक्लूडेड और इफेक्टिव वॉल्यूम। ये वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस होता है इन हाईली कंप्रेस्ड स्टेट बट नॉट इन लिक्विड स्टेट, ये हमारे पास डेफिनेशन दी हुई है। इफेक्टिव वॉल्यूम बी की, उसके बाद जो प्रूव दैट पी प्राइम इज इक्वल टू ए ओवर वी स्क्वायर, वो यहाँ पर ये प्रूफ दिया हुआ है, ये प्राइम इज इक्वल टू ए ओवर वी स्क्वायर ये दिया हुआ प्रूफ, ये हम लिखेंगे। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।